जहां जिस कंपोनेंट तक डेटा पहुंचना चाहिए था उसके बीच में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो उन सबको पास कर करके वहां तक हम वो डेटा को पहुंचाते हैं इस केस में होता यह है कि सम ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स डोंट नीड द डेटा ठीक है ना एज अ कंपोनेंट री डिपेंस प्रॉप ड्रिलिंग कैन मेक द कोड मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्डर टू मेंटेन क्यों मैं आपको आप एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूं आई नो डेफिनेशन थोड़ा सा आपको नहीं समझा होगा बट मैं ऐसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ दिस इज लेट से दिस इज आवर रिएक्ट एप्लीकेशन वे वी हैव वन ऐप कंपोनेंट उसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट दैट इज योअर काउंटर एंड देन इनसाइड काउंटर वी हैव वन मोर कंपोनेंट कॉल्ड चाइल्ड कंपोनेंट तो ऐप तो चलो एज इट इज ठीक है वी हैव दिस काउंटर एंड काउंटर के पास कोई डेटा है जो चाइल्ड कंपोनेंट को चाहिए वॉट वी विल डू हम क्या करेंगे लाइक like, हम सिंपल प्रॉप्स पास कर देंगे इवन मैंने आपको यूज रैप के थ्रू भी बताया फॉरवर्ड रैप वो सब कुछ हमने देख ली लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि एक पेरेंट कंपोनेंट है एंड देन वी हैव अ चाइल्ड कंपोनेंट डेटा पास कर दिया यूजिंग प्रॉप्स खत्म नो बिग डील बट अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखना नाउ लेट्स इमेजिन वी हैव अ काउंटर अब डायरेक्टली उसको फर्स्ट चाइल्ड को डेटा नहीं चाहिए ध्यान से देखिएगा वी हैव अ ऐप कंपोनेंट there we have counter component inside counter we have a child component child component ke andar we have a grand child component uske andar we have a grand grand child component ab ye jo hamara dikhai de raha hai aapko counter component iske paas let's say ek data hai ab wo data mujhe yahan pe chahiye किसको चाहिए grand child component को अब आप मुझे एक बात बताओ ये जो counter है ठीक है ये जो counter है इसके पास जो data है क्या हम इस particular वाले को pass कर सकते हैं directly नहीं कर सकते ये इम्पॉसिबल है ये हम कर ही नहीं सकते आप देख सकते हो इट्स नॉट पॉसिबल तो अब हम क्या करें मुझे मेरा काउंटर का जो डेटा है समझ रहे हो मुझे मेरा ये जो काउंटर का डेटा वो तो मुझे यहाँ पे चाहिए जैसे भी तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रॉप ड्रिलिंग इसका मतलब होता ये है कि काउंटर के पास जो डेटा है वो मैं पास कर दूंगा चाइल्ड कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू मैं पास कर दूंगा मेरे ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट को एंड ग्रैंड चाइल्ड के थ्रू मैं इसको पास कर दूंगा तो यही है आपका प्रॉप ड्रेलिंग जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन में समझाया था वो आपको पता चल गया होगा वो जो डेफिनेशन है सो आई गाइस अब आपको ये जो स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन समझाया था ये इसका पूरा आइडिया आ गया होगा फिर से वन मोर टाइम अब आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है गाइस ये एक पैटर्न है रिएक्ट जैस एप्लीकेशन में जहां पे ये जो पेरेंट कंपोनेंट होता है ना वो डेटा पास करता है टू द डीपली नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट थ्रू द मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स याद है फ्रॉम काउंटर टू ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड अब इस केस में होता भी ये है ना इवन इफ समी इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स डोंट नीड द डेटा जो बीच में इंटरमीडिएट कम्पोनेंट्स आ गए थे ये जो बीच में लेट से हुई है पार्ट ये चाइल्ड एंड देन ये जो ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड ये जो दो कम्पोनेंट है इनको तो डेटा की नीड भी नहीं थी लेकिन फिर भी हमें इनको डेटा पहले पास करना पड़ा एंड देन तब जाके मुझे ये बेसिकली ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड को डेटा मिला तो ये गलत है ना ये सही नहीं है सो दिस इज योर प्रॉप ड्रिलिंग तो ये एक प्रॉब्लम uh, है इन रिएक्ट जेस एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वॉट वी हैव वी हैव अ कॉन्टेक्सट ए जो कि मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा लेकिन ये हो किस तरीके से रहा है वो मैं भी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको और अच्छे से पता चलेगा देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है लेट्स इमेजिन वी हैव अप टू वन और टू लेवल सब कंपोनेंट तो उस केस में प्रॉप ड्रिलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है एक पेरेंट है दूसरा है, आपका चाइल्ड है तो पेरेंट टू चाइल्ड तो ऑब्वियसली प्रॉप्स पास करना ही पड़ेगा नो बिग डील कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें बट अगर दो या दो से ज्यादा आई I मीन mean, दो से अगर ज्यादा हो गया देन इट्स हार्ड टू मेंटेन ठीक है देन यहाँ पे आप देख सकते हो फिर बता रहा है वेन अ प्रॉप नीड्स टू बी पास थ्रू मेनी लेबल्स मेकिंग चेंजेस टू द कंपोनेंट हैर और एडिंग और रिमूविंग प्रॉप्स कैन बिकम कम्बर्सन आई होप अब आप आइडिया आई चुका है हालाँकि आप ये समझ सकते हो एंड दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम है डो नॉट रिपीट योर सेल्फ बेसिकली आपका ये जो कोड है वो एक्स्ट्रा ये बढ़ा रहा है एंड देन uh, इसको हम फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेस्ट ए पे इन और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ बट उससे पहले अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं अब आप आपको इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगता है आपने से बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी कर चुके हो बट आपको ये आइडिया नहीं था कि यहाँ इस तरीके से हमें नहीं करना है इन रिएक्ट जस्ट एंड ये प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है बट उससे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट ए पी आई को समझना जरूरी है जो मैं कल बताऊँगा लेकिन प्रॉप ड्रिलिंग को अब हम बहुत अच्छे से समझते देखिए लेकिन उससे पहले कैसे अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा बहुत मोटिवेशन मुझे मिलती है एंड सोर्स कोड का पूरा मेरे यूट्यूब वीडियोस में जितने भी लैंग्वेजेस है सबका सोर्स कोड मैंने यहाँ पे दिया सिर्फ और सिर्फ वन भाई एक सबवे का एक बर्गर ना मिले आपको वन नाइनटी में मैं पूरी जिंदगी की कमाई आपको दे रहा हूँ मैं ठीक है प्लीज चेकआउट कीजिएगा मुझे बहुत खुशी होगी ठीक है ऑल आइट तो प्ले uh, भी देख लीजिएगा तो ध्यान से देखिए मैं चलता हूँ मेरे कोड एडिटर पर लेट्स क्रिएट एक्सपोर्ट हैंड हाँ बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड दैट इज़ है ना वी हैव कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट का फोल्डर है आई होप आप मेरे जो सोर्स कोड है उसको फॉलो कर रहे हो एंड देन हेयर वी हैव दिस प्रॉप ड्रिलिंग तो बेसिकली uh, उसके अंदर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की जिसका नाम है प्रॉप ड्रिलिंग डॉट जीएस कंपोनेंट के अंदर ठीक है उसके अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ सो हेयर वी हैव एक्सपोर्ट कॉस्ट ठीक है तो इस तरीके से चलो ठीक है यहाँ पे मैं लेट्स गो विथ रिटर्न एच वन हेलो एंड देन वी हैव अ कंपोनेंट चलो ठीक है परफेक्ट ठीक है अब ये जो पेरेंट कंपोनेंट है इसको मुझे ऑब्वियसली uh, मेरे ऐप पे मुझे रखना पड़ेगा तो इस तरीके से मैं चलता हूँ एस से ऑल राइट परफेक्ट एंड दिस इज इट चलो ठीक है ये मेरा काम हो गया एंड लेट चेक इट आउट नहीं ये रन नहीं कर रहा है सो एल एस चलो ठीक है सी डी इसमें मैं आ, चल देता हूँ परफेक्ट सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ वन एंड देन डेप तो ये मेरा आई गेस सेवेंटी थ्री चलो ठीक है सेवेंटी थ्री पर यह रन कर रहा है यहाँ पे चलते लोकल हो सेवेंटी थ्री एंड या परफेक्ट सो वी हैव अ हेलो पेरेंट कंपोनेंट बट एक चीज़ मैं करना चाहूँगा यहाँ पे एंड डैट इज़ सबसे पहले इन सबको मारो गोली ठीक है मैंने लाइक like, सबको हटा दिया वहाँ पे वी हैव हाँ ट्रॉप हाँ डेलिंग चलो ठीक है अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ एंड देट इज़ मेरे पास एक कोड है ठीक है आई हैव वन कोड तो रिटर्न uh, एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ परफेक्ट ठीक है तो आप देख सकते हो कि मैंने टेलविंड सी एसेस के कुछ कोड यहाँ पे रखे हैं अब इससे होगा ये कि कुछ जो आपको इस तरीके से एकदम सेंटर में थोड़ा सा बैकग्राउंड डार्क और मतलब मस्त आई मीन मस्त दिखाई देगा ठीक है तो ये है ना बहुत ही ज्यादा ऑसम एंड इफ़ यू रियली डोंट नो कि अब अरे बाप रे इसने टेलविड सीसेस कहाँ से ऐड कर दी तो मैं बताना चाहूँगा मैंने ऑलरेडी जब हम स्टाइलिंग के ऊपर देख रहे थे तब वी हैव अ स्टाइल्ड कंपोनेंट कंडीशनल स्टाइलिंग सी एस एस टेल्ड विन सी एस एस या परफेक्ट तो वीडियो नंबर ट्वेंटी टू है आप लोगों के लिए वी हैव अ वीडियो नंबर ट्वेंटी टू आप देख सकते हो टेल्ड इन सी एस एस इन रिएक्ट वर्जन नाइनटीन कैसे हम कर सकते हैं प्लीज़ इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा टॉप पे आप लिंक देख सकते हो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा ठीक है और लाइट परफेक्ट तो इतना सिंपल है पैडिंग दिया है एंड ये मुझे पता चला एक नया क्योंकि मैं टेलविन पे इतना काम नहीं करता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक है ना तो बेसिकली फुल हाइट के लिए फॉन्ट डिस्प्ले तो नॉर्मल था ये मैंने एक नया डिस्प्ले ऐड कर दिया कि फॉन्ट फैमिली आप कैसे ऐड कर सकते हो ये ट्रैकिंग बेसिकली आपका लेटेस्ट स्पेसिंग फ्लेक्स फ्लेक्स का कॉलम दिया एक के नीचे ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये आपका इलाइन आइटम सेंटर बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दी एंड टेक्स का कलर मैंने व्हाइट कर दिया सिंपल ये सीएसएस है बेसिक एकदम ठीक है इफ यू वॉन्ट अ कंप्लीट टेलीविन सी एस एस ट्यूटोरियल लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ऑल ठीक है अब नाउ पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू मुझे चाइल्ड कंपोनेंट को एक डेटा पास करना है सबसे पहले ठीक है है ना तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट्स कॉल दैट कंपोनेंट मैं लिख देता हूँ वी हैव अ चाइल्ड एंड देन वी हैव दिस कंपोनेंट एंड लेट्स पास वन प्रॉप्स ठीक है डेटा करके एक प्रॉप्स uh, में पास कर रहा हूँ यहाँ पे डैट इज रिएक्ट जेस मैं एट द एंड में मैं लिखूंगा आई लव रिएक्ट जेस कुछ इस तरीके से अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ये इस तरीके से बता रहा है तो मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ एंड यहाँ पे ना मुझे एक्सपोर्ट लिखने की नीड नहीं है बिकॉज मैं सेम फाइल पे काम कर रहा हूँ सो कॉन्स्ट आई नो आई थिंक आप लोगों को छोटा लग रहा होगा बट ठीक है आप लोगों को आइडिया तो आ ही चुका है यहाँ पर ठीक है अब ये जो डेटा है इसको प्राप्त करने के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है इन माई चाइल्ड कंपोनेंट इधर मैं डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करूँ या प्रॉप्स लिख के यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करूँ हजारों तरीके हैं बट लेट्स गो विथ सिंपल सा लेट्स गो विथ प्रॉप्स रिटर्न एंड इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं अब इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट आई विल कॉल्ड ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट ठीक है अब ये मैं डायरेक्टली रिएक्ट जैसे नहीं लिख सकता यहाँ पे क्योंकि ये तो प्रॉप्स का डेटा है ना तो मैं क्या करूँगा ये डेटा के बदले मेरा देखो मेरा प्रॉप्स तो डेटा ही रहेगा लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिल रहा है है ना सो so, अब वो आपका हो जाएगा प्रॉप्स डॉट डेटा इस तरीके से ठीक है ऑल आइट परफेक्ट अब इसी को ही मैं कॉपी करूँगा मैं पेस्ट कर दूंगा अब ये जो ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट था कॉपी करूँगा पेस्ट यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट के लिए ग्रैंड ग्रैंड एंड देन चाइल्ड कंपोनेंट ठीक है तो देखो एक चीज आप समझो यहाँ पे हेलो कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी एंड देन इसको मैं कंपोनेंट सी कर देता हूँ ठीक है सो पेरेंट के पास जो डेटा था वो चाहिए था किसको मेरे ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड वाले कंपोनेंट को ठीक है तो मैं वापस इसको कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट इसको कॉपी इसको, इसको पेस्ट इसकी आपको यहाँ पे नीड नहीं है हेलो आई लव रिएक्ट जैसा ऐसे लिखना है मुझे ठीक है आई लव अब यहाँ पे मुझे वही प्रॉप्स डॉट एंड देन डेटा इस तरीके से ठीक है तो देखो कितनी इजीली मेरा अब देखने वाली बात ये है कि मेरा जो ये कंपोनेंट है चाइल्ड कंपोनेंट बेसिकली ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा चाहिए था किसका का पेरेंट कंपोनेंट का लेकिन हम डायरेक्टली डेटा तो पास नहीं कर सकते तो क्या किया पेरेंट कंपोनेंट ने उसके अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड था वो था उसका चाइल्ड कंपोनेंट उसको डेटा पास कर दे बोला बेटा एक काम करो ये डेटा अपने बेटे को पास कर दो तो पेरेंट ने अपने बेटे को दी अब अपना जो बेटा वो भी अपने बेटे को दे रहा है वो अपना बेटा भी वो अपने बेटे को मतलब इस तरीके से उसके पास जाके डेटा मिल गया तो अब इस केस में हुआ ये कि ये जो मेरा ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट था इसको डेटा चाहिए था किसका डेटा हमारे पेरेंट कंपोनेंट का डेटा ठीक है बट पीछे कौन बीच में ये कंपोनेंट ये ये चाइल्ड कंपोनेंट को तो डेटा से लेना देना ही नहीं है बट फिर भी हमें डेटा इस तरीके से एज अ प्रॉप्स पास करना पड़ा एंड देन जब मैं उस कंपोनेंट को कॉल कर रहा था उसको भी मुझे एज अ डेटा प्रॉप्स पास करना पड़ा अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ भाई चाइल्ड कंपोनेंट को ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करने की कोई नीड ही नहीं थी नहीं कोई डेटा पास करने की नीड थी लेकिन फिर भी हमें ये करना पड़ा ताकि जो मेरा ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ बॉटम पे आपको दिख रहा है उसको मैं डेटा पास कर पाऊँ बोल के तो अगेन देखो ना ये फालतू का चीज़ ये फालतू का ये प्रॉप्स पास करना ये सब वो सब ये सब तो हमें करना ही नहीं था लेकिन फिर भी हमें करना पड़ा एंड इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग ठीक है अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ये देखो अब मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ वी हैव अ लोकल होस्ट और आइट परफेक्ट सी कंपोनेंट ए हेलो आई एम कंपोनेंट बी हेलो आई एम कंपोनेंट सी एंड आई लव रिएक्ट जस ये है ना कितना ज़्यादा असंभव मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इंस्पेक्ट वी हैव अ डेप टूल्स कंपोनेंट एंड या सी दिस इज इट आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पेरेंट कंपोनेंट ये देखो चाइल्ड कंपोनेंट को एक प्रॉप चला गया यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को ये यह देखो यहाँ पे देखो ना ट्री पेरेंट टू तो ये इससे ये एंड देन इससे ये ये देखो प्रॉप्स रिएक्ट जेस किसके पास है चाइल्ड कंपोनेंट उसको तो चाहिए भी नहीं था चाहिए किसको था ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट इसको मैं अगर ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट पे जाता हूँ अगे इस पर भी वही चीज़ है सेम प्रॉप्स उसको जबकि नीड नहीं थी ना वी हैव अ ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट हाँ यहाँ पे तो चलो चाहिए था तो गाइस ये है आपका प्रॉप ड्रिलिंग इन रिएक्ट जेस एंड आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसको मैं स्पेसिफिक बनाना इसलिए चाहता था ताकि बहुत सभी लोग अभी भी ये मिस्टेक करते हैं हालांकि लाइक मिस्टेक तो मैं नहीं बोलूँगा लाइक like, ये भी करते हैं बट आपने खुद ही देखा ना मतलब बिचारे ये जो चाइल्ड कंपोनेंट ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट को हम क्यों बीच में लाइक like, रहे इनको तो कोई लेना देना ही नहीं था इस कंपो ये जो भी प्रॉप्स है ये जो भी डेटा है बट हाँ अब क्या ही कर सकते हो अपने पास ऑप्शन नहीं था तो ये था आपका प्रॉप ड्रिलिंग आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा गाइस कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मतलब कंपोनेंट ए का डेटा अगर डायरेक्टली कंपोनेंट जो बेसिकली पेरेंट का डेटा अगर एकदम ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड को चाहिए था चुटकी में हम बिना इन दोनों को कुछ डिस्टर्ब करे बिना ही हम डेटा पास कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड देन आपका यूज रिड्यूसर तो लाइक like इंटरव्यू में पूछा ही जाता है तो आप मिस नहीं कर सकते तो आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा प्ले लिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा सोर्स कोड जरूर चेकआउट कीजिएगा हालाँकि की सोर्स कोड तो मैंने रिएक्ट का फ्री रखा है लेकिन यहाँ पे आपको सारा स्टार्ट टिल एंड पीपीटी सब मिल जाएगा पूरा ए टू जेड मिल जाएगा यहाँ पे ठीक है प्ले लिस्ट को भी चेकआउट कीजिएगा टेल उनसेस वाले को जरूर चेकआउट कीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ विनती आपसे सब्सक्राइब कर दीजिए समझ रहे बहुत मेहनत लगती है इसमें लाइक कहीं नहीं मिलेगा आपको वर्जन नाइनटीन इतना ऑसम ठीक है तो गाइस मिलता हूँ कल की वीडियो में टेल लेंगे थैंक यू सो मच टेक केयर